साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अयोध्या, राम की नगरी, और होली का रंग अयोध्या में पूरी तरह से राममय हो गया है। कहा जाता है कि अयोध्या में इस समय राम रंग में रंगे हुए अयोध्या वासी चारों तरफ खुशी का जश्न मना रहे। फाल्गुन माह में पूरे देश में होली का त्यौहार अपने शबाब पर है। देश भर में अलग अलग अंदाज में होली खेली जा रही है, लेकिन अयोध्या में प्रभु राम वाले होली का रंग भी अलग है। रामनगरी में कभी साधु संतों की टोली निकलकर मंदिर मंदिर के शराब से होली खेलते हुए एक दूसरे को होली के रंग में शराबोर कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ साधु संतों के बीच मुस्लिम भाई रंग गुलाल के बीच गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। ऐसे में अवध के नन्हे मुन्ने भी पीछे नहीं है, गलियों में निकलने वाले लोगों को रंग गुलाल से शराबोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, कुछ इस तर्ज पर रंगभरी एकादशी पर हनुमान जी का निशान लेकर नागा साधु अयोध्या की गलियों में निकल पड़े हैं। इस बार की होली अयोध्या के लिए प्रभु राम वाली होली है, क्योंकि रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में बिराजने से पहले की होली है। वैसे अयोध्या में होली के कई रंग दिखते हैं। साधु संतों की माने तो इस दिन वह किसी और के साथ नहीं बल्कि साक्षात भगवान राम के साथ होली खेलते हैं। चाहे वह सड़कों पर रंग गुलाल खेलते साधु संत हो, करतब दिखाते साधु संत हो, या फिर और भी लोग झूमते मंदिरों के साधु संत, इस मौके पर अवध के नृत्य संगीत का जो जादू मंदिरों में दिखाई देता वह वरवस की वशीभूत करने वाला होता है। और साधु संत हो या आम नागरिक, सभी अपने शुद्ध भूत होकर होली के रंग में रंग जाते हैं। गंगा जमनी तहजीब की नगरी अयोध्या में सौहार्द की होली खेली जाए तो होली का रंग और भी चटक हो जाता है। रामनगरी में पूरे देश को सौहार्द का संदेश देते हुए सौहार्द की होली का आयोजन किया जाता है, जिसमें उत्साहित हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग फूलों, अबीर और गुलाल की होली खेल रहे हैं और एक दूसरे को गोद में उठाकर नाच रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि साधु संतों के बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी मुस्लिम भाइयों के साथ एक दूसरे पर फूल और गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं, यानी सौहार्द के रंग बिखरते दिखाई दे रहे हैं, जो अयोध्या की सदियों पुरानी पहचान रही है। इसीलिए इकबाल अंसारी हो या फिर साधु संत, सभी कह रहे हैं कि अयोध्या उसी राम राज्य की तरफ बढ़ के लिए जो त्रेता युग में हुआ करता था। रामनगरी के मठ मंदिरों के साथ साथ हर गली मोहल्ले में होली का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। महिलाएं, पुरुष हो या बुजुर्ग हो या फिर नन्हे मुन्ने, सभी होली खेलने में पीछे नहीं है। बच्चों का झुंड गली से निकलकर हर किसी को होली के रंग में भिगाने के साथ साथ एक दूसरे से अटकेलियां करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर रंग गुलाल डालकर मस्ती से होली का आनंद ले रहे हैं। माना जाता है कि त्रेता युग में जब प्रभु राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए थे तो इसी तरह से होली मनाई गई थी और हर कोई होली के रंग में सराबोर दिख रहा था। उसी तरह अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, तो ऐसे में होली का रंग और भी चटक हो चला है। और रामनगरी अयोध्या में कहीं अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं तो कहीं फूलों की होली खेली जा रही है। अर्षी है, हम लोग यहाँ बसंत पंचमी से है, नित्य प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को गुलाल चढ़ाया जाता है। आज हनुमान जी निशान के प्रतीक रूप में हनुमानगढ़ी पे विधिवत पूजन करने के बाद अबीर गुलाल लगाने के बाद विधिवत हम लोग विभिन्न मंदिरों में, प्रमुख मंदिरों में जाने के बाद अभी देख रहे हैं, अभी बैराम छावनी में आए, पूजन चल रहा है। यहाँ से निकलने के बाद जानकी घाट जाएंगे, बड़ी छावनी जाएंगे, ऐसे करके विभिन्न मंदिरों में जाएंगे। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को अबीर गुलाल लगाएंगे, विधिवत पूजन होगा, पंचकोसी परिक्रमा होगी, परिक्रमा करने के बाद सब्जी स्नान होगा, स्नान करने के बाद पुनः हनुमान जी को हनुमानगढ़ी में स्थापित की जाएगी। होली की ढेर सारी शुभकामना। सौहार्द
सौहार्द की होली है कि हम एक साथ एक भाव से एक समरसता से एक साथ जुड़ जुड़ करके कोई भी पर्व हो चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो सब मनावें और एक साथ जुड़े रहें। इसलिए यह जो आज की होली शुरू हुई है वह समरसता की होली है, सद्भावना की होली है और दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल जी हैं, मैं मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि के, और इधर देखिए बबलू खान जी हैं और ये सब लोग मिलकर के यह जो सौहार्द की होली मना रहे हैं यह सारी दुनिया को दिखाने के लिए है। दुनिया देखे कि अयोध्या में किस प्रकार से सारी भावनाओं को सारे किसी प्रकार के विकार को छोड़ करके और एक साथ जुट करके होली मना रहे हैं। ऐसे सारे देशवासियों को मनाना चाहिए और सारे जितने भी हमारे विकास हैं जो किसी प्रकार के विवाद हैं किसी प्रकार की मन में कलानी है या कोई भी हो तो सबको हटा देना चाहिए और एकमात्र हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न करके और ये सौहार्द की होली खेलना चाहिए। जिस तरीके से हरा पीला लाल गुलाबी रंगों को एक में मिलाते हुए और दिल से दिल मिलाते हुए हम लोगों ने होली खेला। ये अयोध्या है जहाँ पे 10,000 मंदिर है जहाँ भगवान राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है, वहीं पे हम भी देखो जो है महंत दास जी जो है जन्मभूमि पुजारी जी हैं उन्हीं के मंदिर में हम होली तो रामराज करते हैं। रामराज का मतलब जो है आपको हम बता देना चाहते हैं, रामराज में हर आदमियों को इंसाफ चाहिए, सबके लिए जो है हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का हक चाहिए, सबको मिल रहा है, सबका साथ है, सबका विकास है, यही रहा। और अयोध्या में इतने जो है साधु संत है उनके बीच में देखिए हम होली खोल रहे हैं, यही रहा। अयोध्या में संतों के साथ भी लोगों का मेल मिलाव है, यही रामराज। और त्योहारों का मनाना ही जो है ईद हो जो है दिवाली हो होली हो सबके सब एक साथ मिलकर लोग खूब जो है खेल रहे हैं, यही रामराज। तो हम रामराज की कल्पना इसलिए करते हैं कि जब रामराज रहेगा तो देश में बिल्कुल शांति रहेगी और देश हमारा बहुत आगे जाएगा। हम राजनीति की बात नहीं करते, जो सच्चाई है वही बात हमको जो है आप लोगों के सामने ये मैं बता रहा हूँ। हम तो 100% यही चाहते हैं कि अगर रामराज आवेगा तो जितने भी दुश्मन हैं वो अपने आप पीछे भाग जाएंगे, तो देश में शांति रहेगी, हिंदू मुस्लिम में एकता रहेगा, देश हमारा बहुत तरक्की कर जाएगा और त्यौहार एक साथ खुशी मनावे। ये होली का पर्व है, हम भी देखिए एक मंदिर में खड़े हुए हैं और होली संतों के साथ में खेल रहे हैं, यही रामराज है और यही आपस का ताल्लुका सबसे बेहतर है। अगर ताल्लुका बेहतर न होते तो आज हम यहाँ खड़े भी नहीं। अयोध्या में अपने आराध्य को रंग गुलाल समर्पित करके रंगभरी एकादशी पे उनको चरणों में उनके अबीर गुलाल समर्पित करके और फिर उस रंग को उस गुलाल को उस अबीर को उनका प्रसाद समझते हुए एक दूसरे के लगाना और उस रंगोत्सव का उल्लास मनाना यही परंपरा रही है। और विभिन्न लोकगीतों में लोक संगीत में होली खेले रघुवीरा अवध में इसका प्रमाण मिलता है कैसे चारों भाई यहाँ पर अयोध्या में होली खेला करते, तो कुल मिला के एक बड़ा उल्लास का वातावरण अयोध्या में रहता है और ये माना जाता है कि सारे रंग तो भगवान की देन है और उन्हीं के चरणों में समर्पित करके उन रंगों से सराबोर हो जाना ही आज की संस्कृति आज त्यौहार की। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी आज की ये स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। अयोध्या से कुमकुम भाग्य की रिपोर्ट, इंडिया अनहर्ड के लिए।